नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो बवाल चल रहा है उसमें कौन कौन सी नई अपडेट आई है, और साथ ही में हमने जो कल एनालिसिस किया था उसके ऊपर भी थोड़ी नजर डालेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया जिसमें उसने आरसीएमपी को यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को स्ट्राइक किया, उसमें उसने ये कहा था कि इंडियन डिप्लोमेट खास करके इंडियन हाई कमिश्नर टू कैनेडा यानी कि संजीव कुमार वर्मा जी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर किए गए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि संजीव कुमार वर्मा जी निज्जर की हत्या के मामले में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो उसी के चलते उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और संजीव कुमार वर्मा जी को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर किया। उसके बाद बहुत सारे गो एंड फ्रो हुए। भारत में से 6 डिप्लोमेट्स को, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को भगा दिया गया लात मार के, और वहां से भी संजीव कुमार वर्मा जी को एक्सपेल कर दिया गया। हाल में भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो काफी तनावपूर्ण है, और यहां तक हम लोग समझ सकते हैं कि भारत की तरफ से कनाडा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलने वाला। इसके अलावा हमने आपके साथ ये भी प्रूफ प्रेजेंट किए थे कि जिस आरसीएमपी को यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जस्टिंदर सिंह ट्रूडो ने इस बार साइट किया है, इंस्टेड ऑफ सीएसआईएस यानी कि कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस, उस आरसीएमपी के कनेक्शन डायरेक्टली किस तरह से खालिस्तान से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में हम लोगों को लगा देंगे, तो जाकर जरूर देखिए ताकि आप क्लियर हो जाए कि जिस आरसीएमपी को ये लोग साइट कर रहे हैं, चाहे वो जस्टिंदर ट्रूडो हो या फिर जगमीत सिंह हो, वे लोग जो साइड कर रहे हैं इस आरसीएमपी को वो डायरेक्टली खालिस्तानी से कनेक्टेड है। ऐसे खालिस्तानी जो भारत के खिलाफ है और कॉन्स्टेंटली एंटी इंडिया नैरेटिव्स, फेक नैरेटिव्स, मैनिपुलेटेड नैरेटिव्स चल, तो उन्हीं में से कुछ लोग हाल में आरसीएमपी में है, उसके प्रूफ भी हमने आपके साथ कल के वीडियो में साझा किए थे, जाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद जो हुआ वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जगमीत सिंह ने एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग। अब जगमीत सिंह कौन? तो जगमीत सिंह एनडीपी का लीडर है, जो कि एक वहां की पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरी तरह से खालिस्तान के समर्थन से चलती है, और वो हाल की जस्टिंदर की सरकार का अलायंस पार्टी। तो उसी जगमीत सिंह ने कल एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें उसने ये बताया कि भारत के जो भी डिप्लोमेट्स है वो इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त हैं, उनके लिंक्स है, ऐसी इंफॉर्मेशन उसको भी आरसीएमपी के पास से यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के पास से मिली। सुनिए वो बयान। Indian diplomats were hiring criminal elements to shoot at Canadians. I can't see why we would do anything other than put in place severe sanctions on those diplomats, on Indian diplomats. The Modi government has to be held to account, and we all need to be unified as Canadian leaders. All of us have to be united in denouncing Modi and making sure we protect Canadians and put their safety first and foremost. Thank you so much. I'm not saying whether or not you have personal preference. What do you think of any name and leaving open that assumption? This is the last question, if you want. तो जैसे कि आपने सुना, जगमीत सिंह ने फिर से एक बार इंडियन डिप्लोमेट्स को ब्लेम किया डायरेक्टली, और साथ ही में मोदी गवर्नमेंट को डिनाउंस करने की भी बात उसने कही है। अब ये कोई भी शॉकिंग चीज हमारे लिए तो नहीं है, साथ ही में हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये जरा भी शॉकिंग चीज नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जगमीत सिंह की हकीकत क्या, वो एक खालिस्तानी समर्थक और कनाडा में जो धालीवाल गैंग चलता है उसका फैमिली मेंबर। तो इसी के चलते जगमीत सिंह के मुंह से एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आना और मोदी सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट्स आना कोई भी बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी उसने ये बयान स्पेसिफिकली ट्रूडो के बयान देने के बाद क्यों दिया, उसको अगर एनालाइज करें तो मामला बहुत ही सिंपल है। जस्टिन ट्रूडो के साथ
एनडीपी का इशू चल रहा है और एनडीपी अलायंस से बाहर जाने की बात कर रही है, जिसके चलते ट्रूडो की सरकार हाल में खतरे में आ गई है। तो उसी के चलते ट्रूडो ने एक चाल चली वहां पर अपनी पॉलिटिक्स को संभालने के लिए, और उसी चाल में उसने सीधे एनडीपी का जो वोट बैंक है यानी कि खालिस्तानी, उन लोगों को डायरेक्टली जस्टिंदर सिंह ट्रूडो ने साथ दिया। तो उसी के चलते अपने वोट बैंक को अपने पास रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इस जगमीत सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग की और उस प्रेस ब्रीफिंग में सेम स्टेप ऑन द पैरेलल लाइंस ऑफ जस्टिंदर ट्रूडो उसने बयान दिया, आरसीएमपी को फिर से साइट किया, इंडियन डिप्लोमेट्स को सैंक्शन करने की बात कही और मोदी गवर्नमेंट को डिनाउंस करने की बात कही। फिर से एक बार भारत में इसके चलते अगर कोई भी गतिविधि होती है मोदी सरकार के खिलाफ या कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं तो वो उन लोगों के लिए एक एडवांटेज है, यूएस के पपेट्स के लिए एक एडवांटेज है, चाहे वो खालिस्तानी हो या फिर जस्टिंडर ट्रूडो हो, उन लोगों के लिए एक एडवांटेज है, एडिशनल एडवांटेज है। उनका जो मेन पर्पस है ये सब करने के पीछे वो हाल में है सिर्फ और सिर्फ वहां के लोग बोले। तो ऑल इन ऑल जगमीत सिंह ने जो ये बयान दिया उसके पीछे ये रीजन था। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने कल एक सेल्फ गोल किया है। जी हाँ, जस्टिंदर सिंह ट्रूडो ने फाइनली एक सेल्फ गोल किया है और उसमें ये एडमिट किया है एक सेशन के दौरान कि उन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस है। ये जो निज्जर की हत्या का पूरा मामला चल रहा है जिसमें वो लोग कॉन्स्टेंटली पिछले एक साल से भारत को, भारत की सरकार को और इंडियन एजेंसीज को, इंडियन एजेंट्स को कॉन्स्टेंटली ब्लेम कर रहे हैं, उसको लेकर उन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस है और कोई भी हार्ड एविडेंस नहीं। अब ये बात हम कब से कह रहे हैं, लेकिन सुनिए ये बात खुद जस्टिंडर ट्रूडो मूस वर्क बिहाइंड द सीन्स टू ट्राई एंड गेट इंडिया टू कोऑपरेट विद अस। देयर आस्क्स ऑफ अस वाज, वेल हाउ मच डू यू नो, गिव अस द एविडेंस यू हैव ऑन दिस, एंड आवर रिस्पांस वाज, वेल it's within your security agencies, you should be looking into how much they know, you should be engaging. It's, oh, no, tell us what you know, show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. So we said, well, you know, let's work together and look into your security services and maybe we can get that up. No. So, jaise ki aapne suna, Jastinder Singh Trudeau ne khud ye accept kiya ki un logo ke paas koi bhi evidence, koi bhi proof nahi hai, ये दिखाने के लिए कि भारत की सरकार का कोई भी व्यक्ति निज्जर की हत्या कहीं पर भी शामिल है। उनको सिर्फ एक डाउट है, सिर्फ कुछ इंटेलिजेंस मिली है कहीं से आउट ऑफ द ब्लू, कहां से वो इंटेलिजेंस आई है वो भी बहुत ही संदेहास्पद है, बाहर नहीं आई है वो बातें। लेकिन फिर भी जिस तरह से भारत सरकार की ओर से कैनेडियन गवर्नमेंट की इन बातों के ऊपर प्रतिक्रियाएं दी जा रही है उसके चलते ये साफ हो जा रहा है कि उन लोगों के पास ये जो इंटेलिजेंस है वो भी ज्यादा रिलायबल नहीं। तो उसी के चलते भारत सरकार इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है और धीरे धीरे करके भारत की सरकार अंडर पीएम नरेंद्र मोदी ट्रूडो को और कनाडा को इसी प्रकार से अवॉइड करते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ, जिस तरह से पाकिस्तान को हम लोग ऑलरेडी इग्नोर करते आए। तो कनाडा अब अमेरिका का पाकिस्तान बन गया है, ना सिर्फ हम लोगों के लिए बल्कि भारत की सरकार के लिए भी, और वो उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं कनाडा के साथ भी जिस तरह से पाकिस्तान के साथ किया जाए। तो इसी के चलते भारत और कनाडा के बीच में जो रिफ्ट है वो ऑलरेडी बहुत ही बड़ी हो गई है ट्रूडो की इस गलती की वजह से, बेवकूफी की वजह से, एक पॉलिटिकल स्टंट की वजह से। अब कई सारे लोगों को ये सवाल उठेगा कि क्या भारत की सरकार ये करके कनाडा के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं करना चाहती है एंड दिस एंड दैट। तो अगर ये सवाल आपके मन में उठ रहा है तो बहुत ही जायज है। इसका जवाब खुद यूएसए ने दिया। ट्रूडो ने जब ये कल बयान दिया उसके पहले तक यूएसए का ये स्टेटमेंट था भारत को लेकर कि भारत को ट्रूडो के साथ कैनेडियन गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए और ये जो निज्जर की हत्या का मामला है और उसमें जो इंडियन एजेंट्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है उसमें कनाडा के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये जस्टिन ट्रूडो का बयान आया, जैसे ही उसने सेल्फ गोल किया, जैसे ही ट्रूडो ने ये एडमिट किया कि उन लोगों के पास, कनाडा के पास भारत के खिलाफ या भारत के किसी भी एजेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है,
उसके बाद यूएसए ने अपना टोन पूरी तरह से चेंज कर लिया और जब मैथ्यू मिलर को, जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन है, जब उसको कनाडा और इंडिया के बीच में ये जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में कल पूछा गया ट्रूडो के ये बयान आने के बाद, तब उसने ये कहा कि हम भारत जिस तरह से यूएसए के साथ कोऑपरेट कर रहा है पन्नू के असैसिनेशन प्लॉट के मामले में, उसके चलते हम बहुत ही खुश हैं, वी आर सेटिस्फाइड, और उसने कनाडा वाली जो बात है उसको पूरी तरह से टाल दिया। सुनिए मैथ्यू मिलर एक छोटे से क्लिप। Are you satisfied with the cooperation with the Indian government? We are satisfied with the cooperation. It continues to be an ongoing process. We continue to work with them on that, but we do appreciate the cooperation and we appreciate them updating us on their investigation as we update them on ours. तो जैसे कि आपने सुना, मैथ्यू मिलर जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्सपर्सन है, उसने अपना पूरा टोन चेंज कर लिया और भारत के लिए उसने सॉफ्टवेयर टोन अपनाया, रादर उसने भारत का जो कोऑपरेशन है जो यूएसए को मिल रहा है इन पन्नूज असैसिनेशन पर, उसके लिए भारत प्रेस। तो इसी प्रकार से यूएसए और कनाडा दोनों के सामने भारत के पास एक अपर हैंड आ गया है। दोनों ने ही, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने और कनाडा ने, दोनों ने ही सेल्फ हो कर लिया है। भारतीयों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत सरकार बहुत ही खूबसूरती जियो पोलिटिकल स्पेक्ट्रम वाइड जियोपॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हाल में खेल रही है और उसमें यूएसए और कनाडा जैसी कंट्रीज को भी मात देने को बहुत ही सफल हो गए। रही बात कनाडा की, तो जो भी लोग कनाडा में हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, कॉन्टेक्ट हैं, तो आप वहां पर रहें। अगर आपके पास वो सोर्सेज नहीं है, अगर आप कुछ ही समय पहले कनाडा गए हैं, तो प्लीज बी अवेयर, कनाडा इज नॉट गोइंग टू बी सेफ फॉर इंडियंस। जो भी खालिस्तानी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन नहीं करते हैं, ऐसे सभी भारतीयों के लिए कनाडा बहुत ही डेंजरस आने वाले कुछ ही समय में होने वाला। तो आप सभी सचेत रहें और जो भी कनाडा पढ़ाई के लिए या फिर वर्क परमिट पर या पीआर पर जाना चाहते हैं, वे लोग अन्य कंट्री ढूंढे, यूएसए और कनाडा को छोड़। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी ऑप्शन है और पोलैंड जैसी कुछ कंट्री यूरोप में भी अवेलेबल है जहां पर आपको बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं, सेफर ऑप्शन मिल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। ये जो पूरा इंडिया कनाडा का स्पैट चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो बवाल चल रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहे। साथ ही में यहाँ पर क्यूआर कोड दिया है तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना भी ना। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।